जब 6 महीने पहले हम इस शहर में आए थे तो उस दिन सरोज जी ने हमें 1 कप चाय पिलाई थी। उस 1 कप चाय का कर्जा मैं ब्याज इतना ज्यादा था कि उतारे नहीं उतर रहा था। मैं अब तक चक्रवर्ती ब्याज की दर से बढ़ते उनके कर्जे को उतार नहीं पा रही थी। इसी कर्जे के दौर में उनके घर आए दिन या तो चीनी खत्म होती थी या चाय पत्ती। जैसे ही सरोज जी ने अपने घर के अंदर जाकर भड़ाक से दरवाजा बंद किया, मैं, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे, हम चारों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर एकदम से हम सब के मुंह से जोरदार ठहाका निकल गया। मेरे दोनों बच्चों का हंस हंस कर बुरा हाल था और वे दोनों पेट पकड़कर नीचे बैठ गए थे। पति देव भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, तुम भी ना यार, कमाल करती हो कभी कभी। अब मैं क्या बोलती, जो हो गया सो हो गया। दोस्तों, मैं अवनी, दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ। बड़ा बेटा 15 साल का है और बेटी अभी 11वीं की हो गई है। मेरे पति राघव MNC में जॉब करते हैं और इसी चक्कर में हम अपने घर से दूर दिल्ली में रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि यह सरोज जी कौन है फिर। सरोज जी हमारे सामने वाले फ्लैट में रहती हैं। उनके घर में भी उनके पति देव और इकलौती बेटी है। पति देव सरकारी नौकरी में है और उनका खुद का घर है। बेटी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और नौकरी के लिए दूसरे शहर गई हुई है। अर्थात सरोज जी और उनके पति वो दोनों ही उस घर में रहते हैं। हमें इस शहर में आए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 6 महीने बीते होंगे, लेकिन इन 6 महीनों में हमारी प्यारी सरोज जी ने हमें नाकों चने चबवा दिए हैं। जब 6 महीने पहले हम इस शहर में आए थे तो उस दिन सरोज जी ने हमें 1 कप चाय पिलाई थी। उस 1 कप चाय का कर्जा मैं ब्याज इतना ज़्यादा था कि उतारे नहीं उतर रहा था। अब मैं चक्रवर्ती ब्याज की दर से बढ़ते उनके कर्जे को उतार नहीं पा रही थी। इस कर्जे के दौर में उनके घर आए दिन या तो चीनी खत्म होती थी या चाय पत्ती। कभी आलू नहीं है तो कभी कभी टमाटर भी खत्म ही हो जाता है। अब क्या कीजिएगा, एक आध चीज़ अगर खत्म हो जाए तो आदमी बाहर थोड़ी ना भागता है। खड़े पैर तो कान पर कौन जाए, पड़ोसी किसके लिए होते हैं। यह सोचकर सरोज जी 2-4 दिन तो हमसे मांग कर ही निकाल लेती थी। उसके बाद कहीं जाकर उनका खत्म हुआ सामान आता था, पर इतनी देर में कोई दूसरी चीज़ खत्म हो जाती थी। अब वो इतने अधिकार से मांगने आती थी कि मना करते भी नहीं बनता था। आदमी उसी से तो मांगता है ना जिसे वह अपना समझता है। उनके इसी अपनेपन के चक्कर में कई बार तो मेरे घर में सामान खत्म हो जाता था, पर मैं संकोची स्वभाव की हूँ, कभी कह नहीं पाती थी। उनके प्रेम और अधिकार के सामने मेरी जुबान पर ताला पड़ जाता था। मेरे बच्चे ज़्यादा छोटे तो नहीं हैं, पर फिर भी बच्चों की तो खाने पीने के मामले में कोई ना कोई फरमाइश लगी रहती है। जब भी कोई खास चीज़ बनाती थी तो उसकी खुशबू चाहे मुझे ना आए, लेकिन सरोज जी के नथनों में मुझसे पहले पहुंच जाती थी और किसी ना किसी बहाने वो बैल बजा देती थी और उसके बाद जो भी चीज़ बनाई हो उसे देखती कहती, अरे वाह, तुम्हें कैसे पता लगा कि आज मुझे यही खाने को मन था। तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो, मेरे दिल की सब बातें जानती हो। अब जब मेरी बड़ी दीदी मुझे ऐसे कहेंगी तो मैं मना कैसे कर पाऊंगी। मैं बड़ी शराफत से उनकी प्लेट का सामान उन्हें दे देती थी और वो भी मुझे दुआएं देती हुई अपने घर को लौट जाती थी। अब यह सरोज जी का आए दिन काम हो गया था। शुरू शुरू में तो मैंने समझा अकेली रहती हैं, इकलौती बेटे भी बाहर हैं, पति सारा दिन ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, अपने अकेले के लिए बनाने खाने का मन नहीं करता होगा, इसलिए यहाँ से कुछ ले भी जाती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हूँ तो पड़ोसी ही ना। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी दखलंदाजी बढ़ने लगी। एक बार उनकी काम वाली बाई 4 दिन की छुट्टी पर चली गई
तो अगले दिन सरोज जी अपने घर के कपड़े उठाकर मेरे घर आ गई। आपकी वॉशिंग मशीन खाली है तो एक चक्कर मेरे कपड़े भी चलवा दीजिए। उस दिन मुझे पता चला कि सरोज जी के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि काम वाली बाई काफ़ी समय से लगी हुई थी और वही सब काम करती थी। मैं साफ सफाई के मामले में थोड़ी सी वहमी हूँ। बेशक सरोज जी मेरे पूज्य दीदी जैसी हैं, पर फिर भी उनके गंदे कपड़े मेरे मशीन में डालने का मेरा मन नहीं किया। पर फिर भी मरता क्या ना करता, मैंने कपड़े मशीन में डालकर धो दिए। वो तो शुक्र है कि काम वाली बाई ज़्यादा लंबी छुट्टी पर नहीं गई, नहीं तो शायद आज वाला कांड तभी हो जाता। सरोज जी इतनी प्यारी हैं कि उनको हमारे घर किसी भी समय आने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। अगर कोई उनका मनपसंद सीरियल आने का समय होता था और उनकी केबल ना आ रही हो तो वह बेझिझक हमारे घर में स्मार्ट टीवी पर अपना प्रोग्राम देखने आ जाती थी। वो इस बात की चिंता भी नहीं करती थी कि हो सकता है कि हम लोग आराम कर रहे हों या खाना खा रहे हों। अपने से कैसी शर्म। मैं तो जैसे तैसे झेल रही थी, लेकिन मेरे बच्चे अब खींचने लग गए थे, क्योंकि जब उनको टीवी पर कुछ देखना होता था उसी समय सरोज जी ने भी कोई ना कोई फरमाइश प्रोग्राम देखने का मन बनाया होता था। अब ये तो मुझे लगने लगा था कि मैं सरोज जी का इतना प्यार संभाल नहीं पा रही हूँ, पर कैसे विराम लगाऊं इस पर यह नहीं समझ आ रहा था। उस पर तुरा यह था कि जब कोई खाने वाली चीज़ लेकर आती तो उनका बहाना यह होता था कि अरे मैं तो आज बनाने ही जा रही थी, अच्छा हुआ तुमने बना लिया, हमें तो थोड़ा सा ही चाहिए होता है, मैं यहीं से ले जाती हूँ। और मैं कई बार मन में सोचकर रह जाती थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ था कि राघव के लिए वह चीज़ नहीं बच पाती थी। सरोज जी का प्यार सिर्फ खाने पीने की चीज़ों तक ही सीमित नहीं था, उनके प्रेम का विस्तार निर्जीव वस्तुओं तक भी हो चुका था। अगर हम अपने घर के लिए कोई सामान खरीद कर लाते, जैसे पिछले महीने हमारे घर स्मार्ट टीवी आया, तो छूटते ही उनके मुंह से निकल रहा था, अरे हम भी सोच रहे थे स्मार्ट टीवी लेने का, अच्छा हुआ तुम लोग ले आए, यही देख लिया करेंगे जो कुछ देखना होगा। हमारी तो जान हलक में आ गई, ये ऐसे कैसे ही देख लिया करेंगे। पर सरोज जी अपनी जुबान की पक्की निकली, जब उनका मन करता तो स्मार्ट टीवी पर कोई ना कोई प्रोग्राम देखने आ जाती थी, क्योंकि स्मार्ट टीवी पर बहुत सारी ऐप चलती थी जो केवल के द्वारा नहीं चलती थी। ऐसा नहीं था कि सरोज जी के पति की आमदनी अच्छी नहीं थी और वो कुछ ले नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी शायद सरोज जी की कहीं कंजूस वाली आदतों के कारण उन लोगों ने रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान भी नहीं जुटा रखा था। वैसे भी जब छोटी बहन समान पड़ोसी हो तो तेरा मेरा करना असभ्यता की श्रेणी में आता है, और हमारी सरोज जी कोई असभ्य प्राणी नहीं थी। यूं ही दिन निकल रहे थे और दिन पर दिन सरोज जी का प्यार बढ़ता जा रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यार की बेड़ियां मुझे चारों तरफ से जकड़ रही हैं और मैं इन बेड़ियों से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगी थी। शायद इस छटपटाहट के कारण आज की घटना घट गई थी। हुआ कुछ यूं कि 2-3 दिन पहले हमारे घर ड्राइंग रूम में लगने के लिए एसी आया था। आज जैसे ही कंपनी वाले एसी इंस्टॉल करके गए, सरोज जी अपने प्यार का कटोरा लबालब भरे हुए हमारे घर आ गई। अरे वाह, एसी लग गया ड्राइंग रूम में, बहुत बढ़िया। अब आदमी हर समय बेडरूम में ही थोड़ी ना घुसा रह सकता है। हम भी सोच रहे थे लेने के लिए, चलो अच्छा हुआ तुम लोग ले आए। तुमने लिया या हमने लिया, एक ही बात है। इतना सुनते ही उनके कुछ और बोलने से पहले ही घबराहट में मेरे मुँह से निकल गया, नहीं नहीं भाभी जी, आपका वाला एसी नहीं लाए हैं। जब हम लेने गए थे तभी हमने बताया था उन्हें कि हमारी पड़ोसी सरोज जी भी एसी लेना चाहती हैं, तो उन्होंने हमें कह दिया था कि हम उनका वाला आपको नहीं दे रहे हैं। इतना सुनते ही सरोज जी का मुंह एकदम काला पड़ गया। आपका कहने का क्या मतलब है, कहीं आप ये तो नहीं जताना चाहती कि मैं आपके घर बिना आपकी मर्जी के पड़ी रहती हूँ। मन में आया कि कह दूं कि हाँ जी,
कहना तो यही चाहती हूँ, पर मुझ जैसी मोमनी सिर्फ मिमिया के रह गई है। और सरोज जी, उनका प्रेम पिछली गली से निकल चुका था और अब उनका रौद्र रूप हमारे सामने था। कहिए तो मैं आपके घर ना आया करूं। मैं तो आपको अपनी छोटी बहन समझकर प्यार करती थी। मुझे क्या पता था कि आपको मेरा आपके घर आना पसंद नहीं है। हमारे घर क्या एसी नहीं है? हाँ, ड्राइंग रूम में ना सही, बेडरूम में तो है। आपके घर कोई अनोखा एसी नहीं लगा है। आप ही को मुबारक हो आपका एसी। अब मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी। यह कहकर सरोज जी विभिन्न प्रकार के मुख मुद्राएं बनाती हुई, दंदनाती हुई हमारे घर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। उनके बाहर निकलने की दर ही मेरा हक बकाया चेहरा और उनके अब ना आने की उम्मीद की किरण देखकर राघव और बच्चे ठहाका लगाकर हंस पड़े। मैंने जो कुछ भी कहा था वह शायद इतने दिनों के तनाव की वजह से कह दिया था। बाद में मैंने सरोज जी से बात करने की बहुत कोशिश की, पर आजकल उनके बहन वाले प्यार का झरना सूख चुका है और अब वह मुझसे बहुत नाराज रहती हैं। हालांकि मैं ऊपर ऊपर से एक दो बार उनको मनाने की कोशिश कर चुकी हूँ, पर अंदर ही अंदर मेरे मन से आवाज उठती है कि कहीं यह मान ना जाए, क्योंकि इस मामले में मेरे दिल में एक ही धुन बजती है। सरोज भाभी जी, भाई तुम रूठे और हम झूठे। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें ये तो समझ में आ गया है कि वे अपने पड़ोसी से प्रेम तो नहीं करती थी। जिससे इतने प्रेम पगे सरोज जी जैसे पड़ोसी होंगे, वह पड़ोसियों से प्रेम कैसे नहीं कर सकता। बस प्रेम का ओवरडोज हो गया था, इसलिए हजम नहीं हुआ।